अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको 6 से 8 साल की बच्ची के तरीज़ों वाले कुर्ते की मेजरमेंट और इन तरीज़ों को अटैच कैसे करते हैं ये इसमें सिखाऊंगी इस वीडियो में। इसने आपकी वेट 11 इंचेस लेनी है कुर्ते की और इसकी लेंथ हमने 32 इंचेस ली है। फिर इसके बाद हम इसकी तरीज़ों की नीचे वाली 8 इंच ली है क्योंकि चुनन डालने हैं, ऊपर इसकी वेड्थ और इसकी लेंथ हमने 16 इंचेस रखी है। टोटल जो कुर्ते की वो हाफ है तकरीबन, और ऊपर वाली जो तरीज़ छोटी शोल्डर वाली है उसकी 15 इंचेस रखी है मैंने लेंथ, और इसकी वेड्थ 2 इंचेस है। बाकी जो है वो सारी इसकी फिटिंग में आ जाएगी। 10 इंचेस इसके शोल्डर्स हैं और इसके आर्म जो हैं, इसकी पट्टी की मैंने जो रखी हुई लेंथ 7.5 इंचेस रखी है, बिल्कुल सही है ये। इसके शोल्डर 7.5 इंचेस हैं, 7.5 इंचेस, और इसके बाजू की लेंथ जो है वो 10 इंचेस। आगे क्योंकि फ्रिल भी आनी है तो फिर लंबे हो जाएंगे। 7 इंचेस इनकी फ्रिल की लेंथ है और इसकी फ्रिल की जो वेड्थ है वो 10 इंचेस है। तो आइए अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो नीचे वाली तरीजे हैं जिसको हम चुनट लगाने हैं, इसको साइड से ऊपर जो अटैच करना है उसको साइड से फोल्ड कर लेंगे बारीक बारीक, बिल्कुल ये देखें अंदर की तरफ हो जाए। तो आप इसको प्रेस भी लगा रहे हैं आसानी के लिए, नहीं तो ये साथ साथ भी आप फोल्ड करते जाएं तो इजीली हो जाता है। इसको आप दोनों साइड्स की जो तरीजें हैं उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, हमने छोटी तरीजों के साथ शोल्डर वाली तरीजों के साथ जिनको अटैच करना है, इसको आप ऊपर से फोल्ड करके ये तकरीबन हाफ इंच ऊपर से छोड़कर आपने मोटा बखा कर मोटी सिलाई करके एक सिलाई लगा लेनी है सीधी, और ये धागा खींचकर आप इसकी चुनट लगाएंगे। इसको धागा खींचते जाएंगे एक साइड का, दोनों धागे नहीं खींचने, एक या ऊपर या नीचे का एक तरफ का धागा खींचेंगे तो ये देखें बहुत प्यारी चुनट आ जाते हैं। ये नीचे वाले तरीजे हैं कुर्ते की। उसके बाद हमने ये जो ऊपर शोल्डर वाली बारीक 2 इंच की तरीज थी मैंने पहले से ही शोल्डर्स कट कर लिए हैं। आप चाहें तो अगर आपको आसानी होती है तो पहले कर लें, वरना आप ये तरीजे कुर्ते के साथ अटैच करने के बाद इसके शोल्डर्स की कटिंग करें। अब हमने जो फिटिंग वाली साइड है तरीजों की, छोटी तरीजों की, उस उधर सिलाई लगानी है। उनको पहले हमने दोनों को राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स की जो तरीजे हैं उनको हमने फिटिंग वाली साइड से एक दूसरे के साथ अटैच कर लिए हैं। एक दूसरे के साथ अटैच हमने करना है फिटिंग वाली साइड से, जिधर से हम फिटिंग लगाते हैं उधर से अटैच करना है। उसके बाद हमने ये जो नीचे चुनट वाली तरीजे हैं इनको हम ऊपर छोटी तरीजों के साथ शोल्डर्स वाली तरीजों के साथ अटैच करना है। कैसे, वो जिस साइड पे चुनट लगाए हैं पहले हमने ये देख लेना है, साइज कर लेना है कि उतनी ही चुनट आए जितनी ये तरीजों की पैमाइश है, वरना बड़ी या छोटे चुनट ना रह जाए, वरना और ज्यादा चुनट दे लें या उनको कम कर लें। फिर हमने ये चुनट वाली तरीज जो है वो दूसरी तरीज के ऊपर रख कर तकरीबन जहाँ से जहाँ पर सिलाई लगाई थी चुनट वाली, वहां पर हम सिलाई लगाते हैं। ये नीचे वाला कपड़ा इस तरह नीचे देंगे कि वो सिलाई से निकले ना, एक्स्ट्रा रहे बल्कि सिलाई लग के थोड़ा सा हाफ इंच तक, ताकि बाद में धुलाई में भी वो निकले ना। तो अब आपने चुनट के ऊपर ऊपर सिलाई लगाते आना है। तो ये दोनों ऊपर और नीचे वाली हमारी ये तरीजें जो हैं वो कुर्ते की रेडी हो गई हैं। अब हम इनको कुर्ते के साथ अटैच करेंगे। ये देखें ये बिल्कुल सही तरीजें तैयार हो गई हैं। अब ये देखें ये इस फिटिंग वाली साइड पे पहले ही हमने सिलाई लगा ली थी। अब इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाली साइड जो है दूसरी अंदर वाली, इसको हम कुर्ते के साथ ऊपर से नीचे तक अटैच कर देंगे। बहुत इजी है ये मेथड। मेरे पास ये छोटा सा रिबन पड़ा हुआ था, ये मैंने ऊपर कलर क्योंकि मैच हो रहा था इसका तो मैंने ये लगा दिया है। आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही भी इसकी अच्छी लुक आती है कुर्ते की। और अगर आसानी से आप को अवेलेबल हो सकता है, ये मिल सकता है, तो आप इस पर लगा लें। ये देखें अब हम इसको तरीजों को कुर्ते के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए ये कुर्ते की पहले राइट और लेफ्ट अलग अलग दोनों साइड से, फ्रंट साइड से और बैक साइड से ध्यान करके इसके कपड़े का उल्टा सीधा देकर हम इसको अटैच करते जाएंगे। ये हमने इसकी तरीज और कुर्ते को अटैच करना है एक दूसरे के साथ।
इसके अंदर मुख्तलिफ तरीकों से अटैच होती है। अगर पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा लें, वो भी खूबसूरत लगेगी। मैंने लेकिन बाद में इसके ऊपर हल्का हल्का सा वो रिबन जो है बारीक सा पड़ा हुआ था वो लगा दिया है। आप इसको अंदर पाइपिंग भी दे सकते हैं और ऐसे सिंपल भी आप अटैच कर सकते हैं बगैर कुछ लगाए, या और पाइपिंग के बगैर भी ऐसे भी ये अच्छा लगता है। जैसे आपके लिए ईजी हो आप वैसे ही इसको बनाएं। अगर आपको बेसिक लर्नर हैं आप तो फिर आप वैसे ही रेडी कर लें इसको, आपको मुश्किल लगेगा पाइपिंग वाला मेथड। रिबन लगा रहे हैं वो बहुत इजी है। अब ये साइड से इसके कपड़ा उतरा था, मैंने इसकी फ्रॉक के नीचे लगा दिया है, ये मैंने ऊपर रख के लगाया है, बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ाकर नहीं लगाया क्योंकि हमारी लेंथ पहले ही ये पूरी थी। अगर कम हो तो फिर आप इसको नीचे भी कपड़ा अटैच करके लगा सकते हैं। इसके लगाने के भी दो तरीके हैं, आप दोनों तरफ से आयरन से फोल्ड करके इसको ऊपर रख के दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा लें। मैंने इसको दूसरे तरीके से लगाया है, जैसे शलवार के नीचे हम कपड़ा फोल्ड करते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर अंदर की तरफ, वैसे लगाया है। पहले मैंने इसको अंदर की तरफ सिलाई लगा दी है, फिर इसको ऊपर की तरफ सीधी साइड, ये कुर्ते की सीधी साइड है इस तरफ को, अब देखें उल्टा किया है तो इस तरफ को आ गया है सीधी साइड की तरफ। इस साइड से आयरन से अंदर फोल्ड करके आप सिलाई लगा दें तो ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। ये बॉर्डर जो है वो साइड से कपड़े के, मोस्टली कपड़ों के फैब्रिक्स के साइड पे उन्होंने बॉर्डर दिया होता है, वो नीचे अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने साथ अटैच कर दिया है। ये जो रिबन आपने अटैच करना है इसको हल्का सा बढ़ाकर ये जो आपने नीचे बॉर्डर लगाया है इसकी इस साइड वाली सिलाई के अंदर देना है, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा, नीटनेस नहीं आएगी इसकी। ये हमारा कुर्ता हाफ त्रीजों वाली चुनट के साथ रेडी है। इसके बाजू को अटैच करने का मेथड, बाजू की फिरोल और नेक की पट्टी बनाने का मेथड मैं लास्ट वीडियोस में आपको सिखा चुकी हूँ। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और चैनल यूनिक आइडियाज ऑफ ड्रेसेस एंड प्रेस बेल आइकॉन, लाइक इट एंड शेयर विद फ्रेंड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।